है दांत का उल्टा चश्मा। वाह, गणेश उत्सव 2023 गणपति बप्पा मोरिया किड इलेक्ट्रॉनिक मेगा बम्पर सिंगिंग मेगा बम्पर। ये नट्टू काकार भागा बिना बिना पूछे नट्टू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग सेठ। अरे गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ये क्या तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? कोई ऐसे गुड मॉर्निंग बोलता है भला? सेठ जी जरा प्यार से बोलिए, बच्चा खुश हो जाएगा। नट्टू काका। अरे ठीक है, मैं बोल देता हूँ तुझे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग खेलना बंद करो, ये बाहर क्या लिख डाला है? क्या कहाँ? क्या कहाँ? अरे बाहर जो गणेश उत्सव का फ्लैश रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। गणेश उत्सव 2023 उसके नीचे गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उसके नीचे। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं देख के आता हूँ। रुक, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। मेगा बम्पर सेल। क्या हुआ, फॉन्ट अच्छे नहीं लगे? क्या अच्छा नहीं लगा? फॉन्ट फॉन्ट मतलब नट्टू काका कह रहे हैं उसके अक्षर की स्टाइल अच्छी नहीं लगी। अरे अक्षर की स्टाइल छोड़, वो पूरा का पूरा जो लिखा है मेगा बम्पर सेल वो ही अच्छा नहीं लगा। बिना मुझे पूछे मेगा बम्पर सेल आप लोगों ने जहर कैसे कर दिया? सेठ जी आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, पहले दर्शन तो कीजिए। अरे किसके के ही? अच्छा, अरे करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन। चलो बोलो जी। एक मिनट पहले प्रसाद तो ले लीजिए। अब बताइए सेठ जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि बिना मुझे पूछे आप लोगों ने ये मेगा बम्पर सेल कैसे जहर कर दिया? सेठ जी हर बार हम त्योहार में स्कीम तो रखते ही हैं ना। बराबर स्कीम रखते हैं, सेल नहीं। और आप लोगों ने सिर्फ सेल नहीं डायरेक्ट मेगा बम्पर सेल अलाउस कर दिया। अरे मेगा बम्पर सेल में कितना डिस्काउंट देना पड़ता है कुछ पता है? सेठ जी ये मेगा बम्पर सेल सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है। एक बार कस्टमर दुकान के अंदर आ गया फिर उसे कितना डिस्काउंट देना है ये तो हम ही तय करेंगे ना। तो ये कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं है? समझाता हूँ। देखिए जो हमारा पुराना स्टॉक है उस पे हम ये मेगा बम्पर सेल का डिस्काउंट दे देंगे और जो नया स्टॉक है उस पे हम थोड़ा कम डिस्काउंट देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पुराना स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा और जो नया स्टॉक है उसका बिजनेस भी अच्छा होगा। कस्टमर दुकान में आएंगे, गणपति दादा के दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट पाएंगे और फिर मस्त खुशी खुशी घर जाएंगे। प्रसाद अच्छा था? मतलब बहुत ही बढ़िया था। महंगा होगा ने? थोड़ा। तो ये प्रसाद सब कस्टमर को खिलाएंगे? मतलब जिसने खरीदी नहीं की उनको भी? अरे भाई त्योहार में तो ऐसे कई कस्टमर आते हैं जो टाइम पास करते हैं, भाव ताल पूछते हैं, लेकिन खरीदी नहीं करते। अभी उनको भी ये ऐसा महंगा वाला प्रसाद खिलाएंगे तो यहाँ तो फ्री का प्रसाद खाने के लिए लाइन लग जाएगी भाई। नहीं 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 सेठ जी, वो फ्री में प्रसाद खा के नहीं जाएंगे। तो उनसे क्या प्रसाद का पैसा लेंगे? सेठ जी प्रसाद खाकर कस्टमर हमें अमूल्य आशीर्वाद देके जाएंगे, पैसों के साथ साथ पुण्य भी मिलेगा। Hmm.
ठीक है, अच्छा आइडिया है। ये बाघा शर्मा रहा है, मतलब लगता है आइडिया बाघा का है। नहीं नहीं सेठ जी, ये आइडिया मेरा नहीं है, बावरी जी का है। तो क्यों अभी शर्मा रहा था? नहीं, वो बावरी जी का आइडिया आपको पसंद आया ये सोच के मनी मन खुश हो रहा था। अरे लो, कस्टमर आने की शुभ शुरुआत हो गई। आइए 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 आइए, अब पहले दर्शन की आइए। लड्डू तो एकदम बढ़िया था, टीवी भी एकदम बढ़िया वाला दिखा। हाँ, ये देखिए हैवेल्स एंड लॉयड का ब्लू एलईडी टीवी। अभी तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। मैडम, वेलकम वेलकम टू ग्रे इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? एक अच्छा सा मिक्सर दिखाइए ना। मैं आपको अच्छा सा मिक्सर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बहुत अच्छा सा मिक्सर ग्राइंडर दिखाऊंगा। आइए, इस तरफ आइए, आइए। ये देखिए, ये है हैवेल्स कंपनी का हैवेल्स हेक्सो जूसर मिक्सर ग्राइंडर। सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और बेस्ट वारंटी के साथ, सबसे बेस्ट क्वालिटी और एकदम किफायती दाम के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है मैडम, हैवेल्स हेक्सो जूसर मिक्सर ग्राइंडर की मोटर 1000 वॉट की है। वाव, क्या ये? अरे मैडम, हैवेल्स के कोई भी प्रोडक्ट यानी पैसा वसूल। यही फाइनल कर दीजिए। आइए बिल बना देते हैं। आइए आइए मैडम। वाह गणपति बापा, आपके आगमन से और आपकी कृपा से घर की अच्छी हो रही है। बस इस पूरे गणेश उत्सव के दौरान दुकान को ऐसे ही कस्टमर से हरी भरी रखना। थैंक यू गणपति बापा। बोरिया गणपति बापा, आपका हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आगमन होने जा रहा है। हम बड़े उमंग और उत्साह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जल्दी आना। हाँ, और आप हमेशा हम पर कृपा बरसाते हैं, ऐसी ही कृपा रखना हम पर। और सोनू और इनकी सब इच्छा पूरी करना है पापा। गणपति पापा मोरे मोरे। ये तो वही साड़ी है जो तिलक रोड के दुकान में थी। और जब भी ये साड़ी मैं देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि ये साड़ी पहन के मैं पापा की आरती करूंगी। लेकिन आपको कैसे पता कि ये साड़ी खरीदने की मेरी इच्छा है? माधवी, हम जब भी तिलक रोड जाते थे ना, तो तुम्हारी नजर उस दुकान में इसी साड़ी पे जाती थी। मैंने देखा था, तुमने एक दो बार कीमत भी पूछी थी, लेकिन फिर महंगी थी इसलिए फिर तुमने नहीं ली। मैं सब जानता हूँ। कैसे मेरे दिल की बात समझ जाते हो? अरे मंजे का है, हमारे दिल एक जो है। मैंने सोच लिया था कि गणेश उत्सव से पहले पहले तुम्हें मैं ये साड़ी सरप्राइज में गिफ्ट करूंगा। आहो, आपकी ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छी लगी है। पर इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? माधवी, अगर मैं ये महंगी साड़ी नहीं खरीदता ना, तो मेरा नुकसान हो जाता। वो ऐसे माधवी कि अगर मैं ये साड़ी नहीं लेता, तो इस साड़ी से भी कीमती तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मुझे कैसे देखने मिलती? बेटा, आता बगू जरा कशी दिसते।
आहा, अभी ये साड़ी अच्छी लग रही है। कितनी सुंदर है साड़ी। थैंक यू, थैंक यू, वाह, नवीन साड़ी। सोनू, ये साड़ी खरीदने की मेरी कितनी इच्छा थी, और तेरे बाबा ने मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट दी है। मेरे बाबा तो है ही बेस्ट। माना कि अपने जमाने में जीते, पर आज के जमाने में तुम्हारी और मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। ये तो है, ये मेरे इच्छा पूर्ति पति और तेरे इच्छा पूर्ति बाबा है। मत बाबा, आप मेरी और आई की खुशी का कितना ख्याल रखते हो। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू। अरे सोनू बाड़ा, तुम्हारी और माधवी की इच्छा का ख्याल रखना ये मेरा परम कर्तव्य है। और देखना, गणपति बापा के आशीर्वाद से तुम्हारा होने वाला जीवन साथी और हमारा होने वाला दामाद सामने से आके दरवाजे पे दस्तक देगा। सोनू टप्पू, तू क्या हुआ भिड़े अंकल, आप मुझे देखकर ऐसे शॉक क्यों हो गए? नहीं मतलब ऐसे अचानक से नॉक हुआ ना, इसलिए। कुकर ठेवला है याले। हाँ हाय टप्पू, आओ बैठो बैठो। अरे सोनू जरा सावकाश। डोंट वरी भिड़े अंकल, टप्पू सोनू को कभी गिरने नहीं दे सकता। ठीक है ठीक है। सो स्वीट, थैंक यू टप्पू। आइए यहाँ से लाग लेना तो बड़ा। हाँ ठीक करो तुम। हाँ बाबा। तुम कैसे आए? सीढ़ियों से चढ़ के। वही सीढ़ियाँ नीचे भी उतरती है, जाओ घर जाओ। रिलैक्स भिड़े अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या काम है? बस क्या भिड़े अंकल, मैं क्या इस घर में बिना काम के नहीं आ सकता? नहीं तो? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, आ सकते हो। हाँ, क्योंकि इस घर को मैं अपना ही घर समझता हूँ। का? हो का? हाँ, और सिर्फ ये घर नहीं, टप्पू सेना पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को अपना ही घर समझती है। Absolutely right. लेकिन अभी तक तुमने यहाँ पे आने का कारण नहीं बताया। टप्पू सेना, ये स्पीकर तो क्लब हाउस में होता है ना, यहाँ क्यों लेके आए? भिड़े अंकल, स्पीकर बिगड़ गया है, इसीलिए हमें इसे रिपेयर करवाने के लिए जेठा अंकल की दुकान ले जाना है। और टप्पू ने कहा आपकी आदत के मुताबिक आप हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे कि स्पीकर बिगड़ गया। और फिर आप कहेंगे कि पहले मैं स्पीकर चेक करूंगा, अगर ये मुझसे ही रिपेयर हो गया तो मैं ही रिपेयर करूंगा, वो भी फ्री में। अंकल अब आप चेक कर लीजिए। हाँ तो करूंगा ही ना, पता चला इतना सा फॉल्ट है और उसके लिए रिक्शा का खर्चा हो गया, दे दो मुझे। नजरा कोई ब्लूटूथ ऑन करना। हाँ मैं करता हूँ। अरे बाप रे बाप, ए देवा, तो एकदम भयानक आवाज है इसकी। आपको पहले ही तो कहा भिड़े अंकल, ये स्पीकर बिगड़ गया है। तो अभी आप इसे रिपेयर करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बागा भाई के पास ही लेके जाते हैं। हाँ नहीं नहीं, बागा के पास ही लेके जाओ, लेकिन टप्पू रिपेयर करवाने से पहले बागा को खर्चा पूछना, मुझे बताना, उसके बाद ही रिपेयर करवाना, कर लेना। भिड़े अंकल, बागा भाई फ्री में रिपेयर कर देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी को कोई भी चीज फ्री में नहीं चाहिए। उसको पहले रिपेयरिंग का खर्चा पूछना, उसके बाद ही रिपेयर करवाना। ठीक है चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। बागा को बोलना कि ठीक से रिपेयर करे, क्योंकि गणेशोत्सव में यही स्पीकर काम आने वाला है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। भिड़े अंकल अब टेंशन मत लीजिए, बागा भाई इस स्पीकर को ऐसा रिपेयर करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी बिगड़ा था। ठीक, चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो आराम से, आराम से। चल चल चल, सावकाश घेऊन जा। बाप रे बाप, थैंक यू, फिर आइएगा। सेठ जी, गणपति बापा की कृपा से आज हमारा धंधा अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं, आज सुबह से अच्छा बिजनेस हुआ।
आइए। हेलो टप्पू सेना। हेलो बताइए क्या मंगाऊं? फालूदा, मिल्क शेक, आइसक्रीम, समोसा, वड़ा, सैंडविच? अरे भाई लगता है कुछ काम से आए हैं भाई, नाश्ता करने नहीं आए, बराबर ना गोली? बराबर है सेठ जी, लेकिन टप्पू सेठ जी और टप्पू सेना की आक्ता स्वागता करना हमारा फर्ज है। जब आपकी उम्र होगी और जब आप रिटायर होंगे तभी टप्पू सेठ जी हमारे सेठ होंगे, और सेठ जी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा मतलब सिर्फ मेरी उम्र बढ़ेगी, आप लोगों की उम्र बढ़ने की जगह पे कम होती जाएगी है? आप लोग कभी रिटायर होंगे ही नहीं। हाँ सेठ जी, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कभी रिटायर नहीं होंगे। हाँ हम 100 साल तक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर की सेवा करेंगे। 100 साल ही क्यों, 100 साल के बाद भी हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते रहेंगे। अच्छा भूत बन के। बताइए टप्पू सेना क्या मंगाऊं? बागा भाई नाश्ता बाद में, पहले आप ये स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कोई बात नहीं टप्पू सेठ जी, ये तो बागा अभी रिपेयर कर देगा, आपका काम हो जाएगा। अरे तब तक आप लोग गणपति बापा के दर्शन कीजिए और प्रसाद लीजिए। गोली बेटा प्रसाद बहुत बढ़िया है, लेना। हाँ हाँ डन डन। लड्डू और मोदक दोनों बढ़िया है। हाँ गोली। हाँ वाह वाह वाह। पहले पहले दर्शन में ध्यान दे बेटा। गणपति बापा। प्रसाद जाए कमो आ जाओ यारो। सबके लिए दो दो बक्से यार। अरे बेटा खाने दे खाने दे, प्रसाद और आ जाएगा। आइए। नमस्ते बहन जी। अरे क्या कर रहे तू, कस्टमर भाग गए? नहीं सेठ जी, मैंने तो खाली इसको चेक करने के लिए ऑन किया तो इसमें से ऐसा आवाज आने लगा। हाँ स्पीकर का यही प्रॉब्लम है, वो आवाज बहुत फटता है और खाली मैक्सिमम वॉल्यूम पे चलता है स्पीकर। अरे तो बेटा पहले बताना चाहिए ना बेटा। पहले मैं आपको बताने वाला था लेकिन आपने बोला कि पहले दर्शन कर लो, तो हमने पहले दर्शन कर लिए। बागा भाई कितना टाइम जाएगा इसको ठीक करने में? हाँ टप्पू सेठ जी, मेरे हिसाब से अब इसको रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उस मुकाम तक पहुंच गया है जहाँ ये बार बार बिगड़ते ही रहेगा। अब क्या करें? नया स्पीकर ले लीजिए। तुम लोगों में अक्ल है कि नहीं? जो चीज रिपेयर हो सकती है उसके बजाय नई चीज लेने की क्या जरूरत है? ऐसा भीड़ अंकल हमें डांटेंगे। तो यार होगी गोली? नहीं नहीं बागा भाई, अभी हमें नए स्पीकर के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, सोसाइटी का बजट नहीं है। हाँ। एक मिनट टप्पू, बागा बच्चों को नया स्पीकर दे दे। अरे पापा लेकिन नया स्पीकर। बेटा भिड़े अंकल को बोलना गोकुलधाम सोसाइटी को ये स्पीकर हमारी तरफ से गिफ्ट है। हाँ तेरे अरे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो सेठ जी कौन सा स्पीकर दूं? कौन सा क्या, सबसे अच्छा वाला दे दो, 15,000 वाला। जी सेठ जी। थैंक यू जेठा अंकल। विजय सो विजय सो विजय सो। जल्दी सारे काम हल कर नीचे। हां वेरी गुड वेरी गुड। जेठा अंकल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से आपको दिल से थैंक यू। अरे चलो अभी हम निकलते हैं। हाँ। अरे एक मिनट नाश्ता तो करके जाइए। नहीं नहीं पापा अभी हमें सोसाइटी बहुत जल्दी पहुंचना है, मंडप वाले आने वाले ना। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके बाय। संभाल के लेके जाना। आराम से। दर्शकों गोकुल धाम में गणपति पापा के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और जेठालाल ने अपनी तरफ से स्पीकर भी दे दिया। भिड़े को ये लगता है कि जो पुराना वाला स्पीकर है उसे रिपेयर किया जा सकता है। अब तो भिड़े को जानते हैं वो पुरानी चीजों से कितना प्यार करता है, अब उसका एक खास लगाव है।
जब भिड़े को पता चलेगा कि जेठाला ने स्पीकर दे दिया है तो वो ऐसे उछलेगा जैसे ट्रैम्पोलिन पे एक आदमी उछलता है। खैर, अब टप्पू सेना और भिड़े के नोक झोंक वाले रिश्ते को तो जानते ही हैं, लेकिन इस बार टप्पू सेना का मजाक आग में घी डालने वाला काम करने वाला है। भाई, गणेश उत्सव का माहौल है, छोटी मोटी नोक झोंक या फिर हंगामे तो होंगे ही, लेकिन ये हंगामे आपके घर पर हंसी उठा के ही लाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे, भिड़े का फोन, नक्की थैंक यू बोलने के लिए फोन किया होगा। हाँ भिड़े, मेंशन नॉट। आइते? मैंने कहा मेंशन नॉट। मैंने तुम्हें कोई थैंक यू बोलने के लिए फोन नहीं किया है। तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें नया स्पीकर गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तो तुम सोसाइटी को नया स्पीकर गिफ्ट दोगे और बाद में हमेशा मुझे ताने दोगे कि मैंने सोसाइटी को 15,000 का नया स्पीकर गिफ्ट दिया है। अरे भिड़े, तू भी ना एकदम शकाराम की तरह सोच रहा है। शकाराम कहाँ सोचता है? वही तो, बिना सोचे कुछ भी बोल रहा है तू।